हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैक टेक्निक के बारे में। एंड ये हमारा टॉपिक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। एंड ये सिलेबस में आपको यूनिट नंबर 6 में ये टॉपिक मिलेगा। थर्ड टॉपिक है ये यूनिट नंबर 6 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक टेक्निक। बैक टेक्निक का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई नर्स या फिर हेल्थ वर्कर कहीं पर विजिट करने जाते हैं, यानी कि होम विजिट के लिए जाते हैं, मींस किसी पेशेंट को देखने के लिए जाते हैं या फिर उनके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, किसी के हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी के घर पर विजिट करने जाते हैं, तो उनके जो बैग होते हैं उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या सामान उस बैग के अंदर होना चाहिए। तो आगे हम इसके पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हमें ये अच्छे से क्लियर होगा। कम्युनिटी बैग इज़ अ व्हीकल टू कैरी द टूल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग होम विजिट। यानी कि कम्युनिटी बैग क्या है, एक ऐसा व्हीकल है जिसके अंदर काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जब होम विजिट करने में हेल्प करता है, या फिर होम विजिट करने के टाइम पर वो सारे इक्विपमेंट टूल्स जो हैं वो उस बैग में होने चाहिए। इट इज़ मेड ऑफ द स्ट्रॉन्ग बट लाइट मटीरियल लाइक द कॉनवास, लैदर, प्लास्टिक, लाइट मेटल। यानी कि ये जो बैग है ये इन मटीरियल से बना होता है, यानी कि कॉनवास से ये लैदर का बैग हो सकता है, प्लास्टिक बैग हो सकता है, या फिर लाइट मेटल से ये बैग बना हो सकता है। इट कैन बी कैरीड इन द हैंड और ऑन द शोल्डर। और ये बैग कैरी कैसे कर सकते हैं, शोल्डर पर कैरी हो सकता है और ये हैंड बैग भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल्स, यानी कि कौन कौन से आर्टिकल्स इस बैग में होने चाहिए। सोप इन सोप डिश, नेल ब्रश एंड टॉवल वन ईच। यानी कि इस बैग में क्या क्या होना चाहिए, सोप होना चाहिए, यानी कि सोप डिश जो होती है जिसके अंदर सोप होता है, एंड नेल ब्रश होना चाहिए एंड टॉवल होना चाहिए। सब कुछ एक एक आइटम सबकी होनी चाहिए। अपरेटस फॉर गिविंग नीमा कैन ट्यूबिंग वन सेट एंड क्लैम्प अनीमा, कैचेट अनीमा, सोप स्ट्रेनर, वेजल टू डिजॉल्व द सोप इज नॉट इन हॉट वाटर, और रेडीमेड अनीमा इन डिस्पोजेबल सेट इज अवेलेबल एंड यूज कॉमनली नाउ अ डे। मीन्स अगर पेशेंट को अनीमा देना हो तो कौन कौन सी चीज़ें उनके पास होने चाहिए, यानी कि अपरेटस होना चाहिए एंड अनीमा केन होने चाहिए, ये सारा क्या है, वन वन सेट होने चाहिए, अनीमा कैथरेट, अनीमा सोप स्ट्रेनर होना चाहिए, ठीक है, और हॉट वाटर होना चाहिए, रेडीमेड अनीमा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अनीमा देने के लिए पेशेंट जो है नर्स के पास या फिर जो भी हेल्थ वर्कर होगा उसके पास होनी चाहिए। थर्ड है यूरिनरी कैथरेटर, रबर एंड डिस्पोजेबल फॉरेस कैथेटर। यानी कि ये सारी भी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि यूरिनरी कैथेटर होने चाहिए उसके बैग में, रबर होने चाहिए, डिस्पोजल फेलिस कैथेटर होना चाहिए, ये सारी एक एक आइटम सबका एक एक जो है सामान होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ आता है क्लिनिकल थर्मामीटर एंड टू ब्लड स्लाइडर रैप्ड इन द पेपर। और क्लिनिकल थर्मामीटर होना चाहिए और ब्लड स्लाइडर रैप होने चाहिए पेपर में, यानी कि ब्लड स्लाइडर होने चाहिए और वो पेपर में रैप हुए होने चाहिए, और दोनों ही एक एक होना चाहिए। रेक्टल थर्मामीटर होना चाहिए, पेयर ऑफ सीजर होना चाहिए, पेयर ऑफ आर्टरी फोरसेप होना चाहिए, पेयर ऑफ डिसेक्शनिंग फोरसेप होना चाहिए, स्मॉल गलीपट्स एंड बाउल्स 6 होना चाहिए, एंड किडनी ट्रे होना चाहिए। तो ये सारा सामान एक बैग के अंदर होना चाहिए। तो मैंने सबके आगे नंबर्स लिखे हैं कि कितने कितने अमाउंट में ये होना चाहिए। बैग ऑफ स्टरलाइट ड्रेसिंग होना चाहिए, मेजरिंग टेप होना चाहिए, एंड फिटोस्कोप होना चाहिए, एंड बीपी अपरेटस होना चाहिए, सिटोस्कोप होना चाहिए, बैग ऑफ स्टरलाइट स्वैप स्टिकल्स होने चाहिए। तो ये सारे इक्विपमेंट्स यानी कि सारे आर्टिकल्स उसके बैग में होने चाहिए। तो काफ़ी सारे ये आर्टिकल्स हैं, अबाउट 35 आर्टिकल्स हैं ये, जैसे कि स्प्रिंगिंग बैलेंस, लार्ज कॉटन बैग टू कैरी होम इक्विपमेंट दैट कैन बी डिसइंफेक्टेड इन द पेशेंट्स हाउस। तो एक लार्ज कॉटन बैग होना चाहिए, ठीक है, डिस्पोजेबल ग्लव्स होने चाहिए ताकि जो हेल्थ वर्कर है या फिर नर्स है उसको यूज़ करने के बाद उसको जो है वेस्ट कर सके या फिर उसको डिस्पोज कर सके। डिस्पोजेबल सरिंज एंड प्रिंकिंग नीडल्स होनी चाहिए, स्पिरिट एंड कॉटन स्वैप होना चाहिए, म्यूकस सकर होना चाहिए,
तो आईज एंटीसेप्टिक, यूरिन टेस्टिंग किट, ग्लूकोमीटर, स्ट्राइज डिलीवरी किट, प्लास्टिक एप्रन होना चाहिए, रबर शीट एंड प्लास्टिक शीट होने चाहिए, पेपर बैग, न्यूज़पेपर, एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, ड्रेसिंग होनी चाहिए, बैंडेज एंड टेप होनी चाहिए, बेबी फीडिंग ट्यूब होनी चाहिए एंड प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन और इंजेक्शन होने चाहिए, यानी कि जो पेशेंट को प्रेस्क्राइब किए गए हैं कि ये पेशेंट को लेना है तो वो चीज़ें बैग में होने चाहिए, स्मॉल डायरी होनी चाहिए, पेन पेंसिल होनी चाहिए ताकि पेशेंट का डाटा कलेक्ट किया जा सके। देन उसके बाद आता है आफ्टर केयर ऑफ द आर्टिकल एंड बैग। आफ्टर कमिंग बैक टू हेल्थ सेंटर द यूज्ड आर्टिकल आर क्लीन्ड एंड आउटोक्लेव, यानी कि जब होम विजिट हो जाने के बाद, यानी कि पेशेंट की विजिट होने के बाद उन आर्टिकल की केयर कैसे करनी है। तो जैसे कि पेशेंट से विजिट करने के बाद जब जो हेल्थ वर्कर है वो हेल्थ सेंटर में आ जाता है तो सारे जो आर्टिकल्स है उनको क्लीन करना है या फिर उसको आउटोक्लेव में उसको क्लीन करना है। द डिस्पोजेबल आर्टिकल एंड मटेरियल इज डिस्पोज ऑफ द सेफली बाय द बर्निंग, मीन्स जो भी डिस्पोज करने वाले जो आर्टिकल्स हैं जैसे कि ग्लव्स हुए, ठीक है, या फिर जो पेपर यूज़ किया हुआ या कॉटन यूज़ की हुई वो सारे डिस्पोज कर देने हैं या फिर उसको बर्न कर देना है। बैग इज़ एम्पटाइट क्लीन्ड विद द एंटीसेप्टिक फ्रॉम द इनसाइड एंड आउटसाइड, और बैग को पूरा खाली कर देना है और उसको अंदर से और बाहर से पूरा एंटीसेप्टिक यूज़ करके उसको क्लीन कर देना है अंदर और बाहर से। देन रीअरेंज एंड केप्ट रेडी फॉर नेक्स्ट विजिट, यानी कि फिर से उसको क्लीन करने के बाद तो सारे जो इक्विपमेंट थे, जो आर्टिकल्स थे, फिर से उसको बैग में सेट कर देना है ताकि जो नेक्स्ट विजिट है उसके लिए बैग को रेडी करके रख देना है। देन द प्रिंसिपल ऑफ बैग टेक्निक, क्या क्या प्रिंसिपल है बैग टेक्निक के यूज़ करने के। ऑलवेज चेक द कंटेंट ऑफ द बैग बिफोर द होम विजिट, यानी कि होम विजिट जाने से पहले या फिर पेशेंट को विजिट करने से पहले बैग को अच्छे से चेक करना है ताकि उसमें सारे आर्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हों। बैग एंड इट्स कंटेंट मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड रेडी फॉर यूज़ एट ऑल टाइम, जो भी उसमें इक्विपमेंट है, जो आर्टिकल्स हैं वो क्लीन होने चाहिए और रेडी टू यूज़ होने चाहिए, यानी कि पूरे वो क्लीन और स्टरलाइज होने चाहिए ताकि वो निकालते ही पेशेंट पर यूज़ किया जा सके। हैंड मस्ट बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर ईच टाइम बिफोर टचिंग द बैग, जब भी बैग को टच करना उसे पहले हैंड को हमेशा सोप से वॉश करना है, जब भी बैग को टच करना है तभी उस टच करने से पहले हैंड वॉश करना है। देन फोर्थ पॉइंट है बैग शुड बी प्लेस्ड इन अ क्लीन एंड अ सेफ एरिया विदाउट डेंजर ऑफ कंटेमिनेटेड बाय द डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि बैग को क्या है ऐसी सेफ जगह पर रखना है वहाँ जहाँ पर उसको किसी पर कोई खतरा ना हो या फिर किसी भी जो बैक्टीरिया है उससे दूर हो, यानी कि एक साफ़ सुथरी जगह पे रखना चाहिए बैग को। देन ऑल द आर्टिकल यूज शुड बी क्लीन विद द सोप एंड वाटर बॉइल्ड एंड रिप्लेस फॉर द नेक्स्ट यूज़, और सभी आर्टिकल्स जो भी पेशेंट के से यूज़ किए गए हैं या फिर यूज़ नहीं भी किए गए हैं क्योंकि वो भी आर्टिकल उसमें मिक्स हो जाते हैं तो उनको क्लीन करना है सोप से या फिर बॉइल्ड वाटर से और फिर उसको रेडी करके रखना है नेक्स्ट विजिट के लिए। थिंग्स लाइक पेन पेंसिल हैंडकफ सेल फोन शुड नॉट केप्ट इन साइड द बैग, पेन पेंसिल हुआ ये सारे जो भी हैंकी हुआ या फिर सेलफोन हुआ तो ये कभी भी बैग के अंदर नहीं रखने हैं। उसके बाद आता है टेक्निक ऑफ यूजिंग द होम विजिट बैग, यानी कि एक पूरा जो होम विजिट बैग होता है उसको यूज करने की क्या टेक्निक होती है। सिलेक्ट द सेफ एंड द क्लीन एरिया एंड सेपरेट न्यूज़पेपर एंड कीप द बैग ऑन इट, तो जब भी होम विजिट पर जाते हैं कोई भी हेल्थ वर्कर तो उसको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले न्यूज़पेपर बिछाना है, न्यूज़पेपर के ऊपर ही सारे इक्विपमेंट निकाल के रख देनी है जो जो भी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है या फिर पेशेंट के लिए यूज़ करने हैं, और जहाँ पर भी न्यूज़पेपर बिछाया जाएगा वो क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है ओपन द साइड पॉकेट एंड टेक आउट द हैंड वॉशिंग आर्टिकल्स एंड वॉश हैंड, तो एक हैंड वॉश के लिए सोप या फिर जो भी लिक्विड होगा उसको बैग की साइड में रखना है ताकि जब भी बैग को टच किया जाए तो पहले हैंड वॉश कर वो सोप को निकाल कर हैंड वॉश करे, देन उसके बाद बैग को टच किया जाए। रिमूव द रिक्वायर्ड आर्टिकल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसीजर एंड क्लोज द बैग, और
जो भी आर्टिकल्स थे जो पेशेंट पे यूज़ हो चुके हैं उनको हटा देना है, या फिर जो जो सामान है जो यूज़ किया, जो बाहर निकाला गया बैग से, उसको वापस क्लीन करके बैग में डाल देना है और बैग को अच्छे से क्लोज कर देना है। देन फोर्थ पॉइंट है, गिव नर्सिंग केयर टू द पेशेंट बेस्ड ऑन द प्लान, यानी कि प्रॉपर प्लान पेशेंट को चेक करना, यानी कि पेशेंट का जो भी डाटा होता है वो हेल्थ वर्कर के पास होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बना करके पेशेंट को चेक या फिर पेशेंट का डायग्नोस करना चाहिए। व्हेन द प्रोसीजर्स इज ओवर मेक पेशेंट कंफर्टेबल वॉश हैंड विद सोप एंड वाटर, और जब भी पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना है और हैंड वॉश करना है सोप एंड वाटर से। देन गिव नर्सिंग केयर टू द पेशेंट बेस्ड ऑन द प्लान, और जो भी नर्सिंग केयर दी जा रही है पेशेंट को वो प्रॉपर प्लान के साथ की जानी चाहिए। रिपीट हो चुका है हमारा आई थिंक, तो ये हमारा आज का टॉपिक था बैग टेक्निक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये जो बैग टेक्निक टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।